हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। आज हम बिल्कुल परफेक्ट सा एक इवनिंग स्नैक्स बनाएंगे, यानी कि फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स बनाना बहुत ही आसान होता है, आप इसे 15 मिनट के अंदर अपने घर पे बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एक रेसिपी अपडेट्स बिल्कुल मिलता रहे। चलिए हम फिंगर चिप्स की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं और इनका जो छिलका है वो मैंने बिल्कुल निकाल के रख लिया। आप देख सकते हैं 3 बड़े साइज का सिंपल सा आलू का आपको इस्तेमाल करना है। नीचे मैंने एक चॉप बोर्ड पहले से ही रख लिया है क्योंकि आलू को आप काटेंगे। यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है भाई। अब करना क्या है, इस आलू के कोने से एक छोटा सा पीस हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। ये मैं काट के क्यों निकाल रहा हूँ वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरफ से मैंने काटा है उस तरफ को हम बिल्कुल चॉप बोर्ड की ओर रखेंगे, यानी कि चॉप बोर्ड के ऊपर रहेगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि काटते समय आलू हमारा स्लिप ना हो, एक बैलेंस बिल्कुल बना रहे। अब एक एक करके हम स्ट्राइप्स काटते जाएंगे, उतना पतला भी नहीं काटना है और उतना मोटा भी नहीं काटना है। गाइस, ये फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें एक मैंने देसी तड़का लगाया है। प्लस ये रेसिपी फ्रेंच फ्राइज की तरह उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि फ्रेंच फ्राइज हम जब बनाने जाते हैं तो बहुत सारा अलग अलग स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये रेसिपी बिल्कुल ही ज़्यादा सिंपल है। फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा देर तक क्रिस्प नहीं रहता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ये रेसिपी को आप बिल्कुल क्रिस्प रख सकते हैं काफ़ी देर तक। बिल्कुल पतले पतले स्ट्राइप्स काट लेना है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज के जैसे काटते हैं। और यहाँ पे हमारा सारा तैयार करके रख लिया है मैंने। आप देख सकते हैं तीनों आलू को मैंने यहाँ पे बिल्कुल पीसेस में कट करके रख लिया है। अब हम एक और कटोरा लेंगे और इसका जो हाफ है उसे हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि मैं बैचेस में बना रहा हूं। बैचेस में क्यों बना रहा हूं उसका भी रीजन है, मैं आपको बताता हूं। गाइस, अब हम इसे कुछ मसालों के साथ मिक्स करेंगे। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि आप इस समय पे तेल बिल्कुल गर्म करने रख दीजिएगा क्योंकि इसे हमें फटाफट से फ्राई करना है। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो रहा है पहले से ही। ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पेरी पेरी। आप अगर चाहें तो कोई और मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहे तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। कलौंजी ऐड करेंगे 2 पिंच, यानी कि काला जीरा। ये इसमें बढ़िया सा देसी टच लाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अपने हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ आपने देखा होगा, मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें से बिल्कुल पानी निकल जाए। खाते समय नमक ऐड करके खा सकते हैं या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, यानी कि 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है मैंने। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पे बैचेस में इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा एक ही साथ बनाते हैं, एक ही साथ उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं तो आलू हमारा चिपक जाता है, यानी कि कॉर्नफ्लोर को अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो आपस में बिल्कुल चिपक जाता है और हमारा रेसिपी अच्छा नहीं बनता। इसीलिए मैंने बैचेस में बनाया। थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, यानी कि 1 चम्मच के करीब, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करना है कि ये आलू बिल्कुल आपस में चिपके ना और कॉर्नफ्लोर भी बढ़िया सा कोट हो जाए। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा कंसिस्टेंसी लाने के लिए। आप देख सकते हैं आलू चिपक नहीं रहा है भाई। तेल को तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बिल्कुल बिठा के रखा हुआ था फ्लेम मीडियम पे। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आलू को छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल घुमा घुमा कर छोड़ना है, एक ही जगह पे सारा आलू हम नहीं रखेंगे। फटाफट से हम एक बैच तेल पे छोड़ देंगे और इसे फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं आलू आपस में हल्का सा चिपका हुआ है। इसे इस तरह से पलटेंगे और जिससे हम फ्राई कर रहे हैं उसी से हल्के हल्के टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जितना सारा भी हमारा आलू चिपका हुआ है वो हल्का हल्का खुलते रहेगा। आप चाहें तो इस तरह से एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रोसेस को करने के लिए। बिल्कुल हल्के हाथों से करिएगा आप इसे और आलू नहीं टूटेगा गाइस, डोंट वरी। आप देख सकते हैं आलू हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। इसे और 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हम पलट पलट के। फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे रखना है। 3 मिनट बाद ये आलू बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे बिल्कुल टोटल 5 मिनट्स हो चुका है। हमारे ये फिंगर चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी बना है, टेक्सचर काफ़ी बढ़िया सा है और ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई से भी सवाल है मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आप मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम हियर टू गुड बाय फूडीज़।